हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। एमटीएस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम होगा जहां तक, और जहां तक मुझे लगता है कि 15 नवंबर से पहले पहले एग्जाम हो जाना चाहिए। तो लगभग 2.5 महीने का समय है और काफी पर्याप्त समय है इतना। इस वीडियो में मैं आपको 12 मई की पहली शिफ्ट को सॉल्व करके दिखाऊंगा। मेरा पर्पज सॉल्व करके बताना नहीं, आंसर सबको पता है, ये पीडीएफ नेट पर भी अवेलेबल है, लेकिन आपको कुछ चीजें बताना कि कैसे प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करा जाता है और कैसे उसके नोट्स बनाए जाते हैं, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ और उन नोट्स को रिवाइज करो, और फिर प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ो और फिर सेम प्रोसेस को दोहराते रहो, और फिर लास्ट में जब आपको समय मिले तो थोड़े मॉक्स लगा लेना। थोड़े मॉक्स मैं इसलिए कह रहा हूँ, कैंडिडेट्स परेशान रहते हैं कि सर कितने मॉक्स लगाने, 100, 150, 200, 400। मॉक्स लगाने का रेलेवेंस एमटीएस एग्जाम में मुझे नहीं लगता। रीजन उसका यह, 45 मिनट का समय है। सीजीएल एग्जाम में रेलेवेंस है मॉक लगाने की, इसमें 45 मिनट का समय मोर देन इनफ है, ठीक है। तो रैंडम मॉक लगाने से आपकी जानकारी नहीं बढ़ेगी, जबकि प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर आप सॉल्व करें 2018 से लेकर 2023 तक का, इधर से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरी बात पे विश्वास मत करना। अभी मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा, जब मैं अभी टफेस्ट शिफ्ट को सॉल्व कराऊंगा ना, तो प्रीवियस ईयर पेपर से कितने क्वेश्चन आए आप खुद देखोगे और समझ जाओगे कि कितनी रेलेवेंस है। एक चीज छोटी सी मैं और बता देता हूँ आपको, कुछ लोग YouTube के ऊपर मेरे वीडियो में कमेंट आया था कि सर सीजीएल वाले लोग ही एमटीएस निकाल सकते हैं। अच्छी बात है, सीजीएल वाले लोग एमटीएस निकाल सकते हैं, लेकिन इस चीज को, इस परसेप्शन को अपने दिमाग में मत बैठाना कि केवल वही लोग निकाल सकते हैं या फिर सीजीएल की तैयारी होना मस्ट है तभी आप एमटीएस निकाल सकते हो। ये परसेप्शन यूट्यूब के ऊपर बहुत चलाया जाता है और बड़े बड़े टीचर्स द्वारा, फैंसी टीचर्स जो है बहुत सारे उनके द्वारा, इस चीज से बच के रहना है आपको। क्योंकि देखो यार, एग्जाम अगर नहीं क्लियर होगा तो आपका नुकसान है, ठीक है। आप ही रोओगे अकेले और कोई भी नहीं रोने वाला, किसी को कोई सरोकार नहीं आपसे। इसलिए मेरी बात पे भी विश्वास मत करना पूर्ण रूप से, सिर्फ मेरी जो मैंने बताया आपको इसको खुद ट्राई करना, खुद देखना, खुद आजमाना, तब विश्वास करना। मेरी बात पे भी विश्वास मत करना, ना उनकी बात पे ना मेरी बात पे, अपने पे विश्वास करना, खुद ट्राई करके देखना, तब आपको फेथ आएगा कि हाँ ये बात में कितनी रेलेवेंस है, कितनी प्रीवियस पेपर को हमने करा, उससे अपने नोट्स को बनाया, ये नोट्स जो बनाने, एनालिसिस प्रीवियस पेपर से करा, नोट्स बनाने के लिए लूसेंट, मनोहर पांडे कोई भी किताब इस्तेमाल कर लो। मेरे कहने का मतलब इतना है कि लूसेंट को डायरेक्ट पढ़ने मत जाओ, क्योंकि बहुत मोटी किताब है, बहुत बल्कि किताब है, उसको आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। उससे नोट्स बना लो, नोट्स ऐसे हवा में नहीं बना लेनी, क्योंकि आपको लगेगा हर चीज इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि लूसेंट में हर चीज इंपॉर्टेंट दिखती है ना। वो नोट्स बनाने के लिए आपको जो गाइडिंग लाइट है, जो बीकन ऑफ द लाइट जिसे कहते हैं, वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, और यही एक तरीका है जिससे कि आप जीके को कवर कर सकते हो, वरना ये सागर है, इसमें खो जाओगे, कोर्स खरीदते रहोगे, अपने पैसे, अपने अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद करोगे, पैसे ज्यादा समय, और समय से भी ज्यादा आपका जो मेंटल जो स्टेट है वो खराब होगा, मेंटल ट्रॉमा झेलोगे, वो बहुत बुरा होता है। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया, पेपर सॉल्व करते हैं चलो हम लोग। मैं जनरली इतने भाषण देता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 2.5 मिनट आपके मैंने ले लिए समझाने के लिए कुछ। वो इनमें से कौन सा मेटल है जो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, देखते ही आंसर पता चल जाएगा आपको। कार्बन, ये इसके एलोट्रॉप्स भी हैं बहुत सारे, डायमंड की फॉर्म में भी रहता है और गैसेज फॉर्म में भी आ जाता है, तो अलग अलग फॉर्म में ही अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आसान क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर पेपर का ये है। अगला क्वेश्चन, द डैश इज द मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन अ एरिया कवर्ड बाय द पंचायत। एक पंचायत में जितने भी गांव होते हैं उसकी एक मीटिंग होती है, क्या कहा जाता है उसको, ग्राम सभा कहा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अब समझो यहाँ से आप नोट्स कैसे बनाना। आप देखना कि ग्राम सभा में मिनिमम एज कितनी होती है इलेक्शन लड़ने की, 21 साल होती है। अगर मान लो ग्राम सभा 5 साल की होती है ना, 5 साल चलती है, ठीक है, जो प्रधान होते हैं या फिर जो पार्षद आप शहरों में, म्यूनिसपैलिटीज जो होती है, अगर मान लो 5 साल से पहले वो डिसॉल्व हो गई ग्राम सभा, तो जब उसका इलेक्शन होगा तो क्या फिर 5 साल के लिए होगा कि बचे हुए टाइम के लिए होगा? तो वो बचे हुए टाइम के लिए होता है, ठीक। एक जानकारी मैंने आपको और दे दी। एक जानकारी और ले लो कि ग्राम सभा का जो इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है, वो नहीं कराता इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो 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 केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जो चुनाव कराता है, वो पंचायत के चुनाव नहीं कराता है, ठीक। ये जानकारी ध्यान रखनी, ऐसे आपको नोट्स बनानी है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, कोई टॉपिक है उसके थोड़ी सी डेप्थ में जाना है आपको, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, थोड़ी सी डेप्थ में जाना है, ठीक है। आप इसको थोड़ा समझने के लिए ये भी कर सकते हो कि पंचायत का जो ना पहला रिकमेंडेशन भारत में किसने दिया था। पंचायत शुरू से नहीं थी, जब संविधान लागू हुआ था तब पंचायत रही थी। पंचायत का रिकमेंडेशन बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था, ठीक है, ये पता होगा लोगों को, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो ये 4 चीजें थी जो पंचायत के बारे में हमने पढ़ ली थी और हमने पढ़ ली। अब ऑप्शंस को जरा देखो, राज्यसभा, लोकसभा, यहाँ मिनिमम उम्र कितनी होती है ये जरा आप देख लेना एक बार, ठीक। बाकी इनका टेन्योर तो पता ही होगा, राज्यसभा तो डिसॉल्व होती नहीं है, एक एक सांसद का 6 साल का टेन्योर होता है और लोकसभा में 5 साल का होता है। अगला सवाल, मैंने पिछली वीडियो में कहा भी था कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल, सीएजी के आर्टिकल, ये कुछ फेमस आर्टिकल हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से देखोगे आप, ये आपको मुजबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें कि ट्रैफिकिंग का जो नहीं,
ट्रैफिकिंग होती है वुमेन्स की, चिल्ड्रंस की, और वुमेन से और चाइल्ड लेबर जो है उसके अगेंस्ट जो एक कानून है, फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार आपको दिया गया कि ऐसा नहीं कर सकता कोई, तो वो किस में है, तो आर्टिकल 23 और 24 में वो है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट सीजीसी बहुत ज्यादा रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। ये क्वेश्चन एक रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने इसको देखा है, लेकिन मुंडा ट्राइब तो उसका आंसर नहीं होगा, पहली बात ये तो पता ही चल गया, क्योंकि उड़ीसा और झारखंड में होती है और अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही, तो एक तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब यार तीन में बड़ा कंफ्यूजन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है, लेकिन मुझे प्राइमा फेसिया याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आपका माइंड सेट बता रहा हूँ, तो इसको अभी मार्क कर देंगे, बाद में देखेंगे। बाद में क्यों देखेंगे, अभी इसमें क्यों नहीं हम लोग अपना समय खराब करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि पेपर आसान हो, एक ही क्वेश्चन हो, बाकी 21 के 24 के 24 क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाए, या फिर हो सकता है कि पेपर टफ हो। ठीक है, अकॉर्डिंगली हम इसमें रिस्क लेंगे, इसमें हमको रिस्क लेना पड़ेगा बिकॉज हम कंफ्यूज है। सो लेट्स सी, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि ड्यूटीज जो लगाई जाती है गुड्स के ऊपर जो एक कंट्री में बनता है उसे क्या कहा जाता है। एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, जो पेट्रोलियम के ऊपर लगता है, लिकर के ऊपर लगता है, शराब के ऊपर राज्य सरकार लगाती है, केंद्र सरकार भी लगाती है, जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बाकी ये सब भी पढ़ लेना। एंटी डंपिंग टैक्स क्या होता है, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, वेल्थ टैक्स क्या होता है, जो हाईली रिच पीपल होते हैं उनके ऊपर वेल्थ टैक्स लगाया जाता है, कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है, कस्टम ड्यूटीज क्या होता है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है वाया एयर रूट और वाया लैंड और या फिर वाया मान लो सी रूट के थ्रू, उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, जो भारत से बाहर सामान आयात निर्यात हो रहा है। एंटी डंपिंग टैक्स कब लगता है, मान लीजिए चाइना से कोई बहुत ही चीप प्राइस में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में डंप किया जा रहा है ताकि मार्केट डिसरप्शन हो जाए, मार्केट बिल्कुल तहस नहस हो जाए, कॉम्पिटिशन खत्म ही हो जाए इंडिया का। मान लो कोई ऐसी चीज है कि इंडिया में फॉर एग्जाम्पल कोई लैपटॉप बनाता है 1000 रुपए में और चाइना से आ जाए 100 रुपए में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इंडिया वालों को तो काम ही खत्म हो जाएगा, इसलिए एंटी डंपिंग टैक्स लगाया जाता है ताकि आप डंपिंग ना कर सको किसी कंट्री में। तो ये कुछ चीजें थी, मतलब कि टॉपिक को भी पढ़ना है, एक्साइज टैक्स अब ये पढ़ लेना, एक्साइज टैक्स कौन लगाता है, या फिर मान लो कस्टम ड्यूटी कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, ये डंपिंग टैक्स कौन लगाता है और कॉर्पोरेशन टैक्स कौन लगाता है, ये आपको करना है। और बाकी ऑप्शन को भी थोड़ा सा डिटेल में देखना है। कितना टाइम लगेगा, हार्डली 5 मिनट लगेगा, लेकिन एक बार आपने पढ़ लिया, क्योंकि खुद से आपने एफर्ट करा गूगल करके, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। अभी आपने गूगल करके लिख लिया, फिर एक दो बार रिवाइज कर दिया, बस बहुत है, इतना मोर देन इनफ है। डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस, डेंसिटी किसी जगह की पॉपुलेशन की कैसे एक्सप्रेस करी जाती है, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं और कितनी जगह है, कितना एरिया है, तो नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, सेकंड इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था एक। एलपीजी सब्सिडी जो है डोमेस्टिक कस्टमर को दी जाती है पहल स्कीम के अंतर्गत। अच्छा, एलपीजी जो होती है ब्यूटेन और इसमें प्रोपेन गैस होती है, उज्ज्वला योजना भारत सरकार जो चलाती है जिसमें बीपीएल कार्ड होल्डर को फ्री में एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं। तो होता क्या है, मान लीजिए सिलेंडर जो है गैस बॉटल सिलेंडर जैसे कहते हैं 1000 रुपए का आता है, तो भारत सरकार को सब्सिडी देती, कुछ छूट देती, तो पहल स्कीम के अंतर्गत वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब सीधा आपके बैंक अकाउंट, बैंक के खाते में पैसा आएगा। तो कौन सी मिनिस्ट्री देती है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस देती है। ठीक है, ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर आपको मुझे वानी क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा भी था भारत सरकार की 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट के बाद जितनी भी लेटेस्ट स्कीम्स आई हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, मेजर मेजर स्कीम, बड़ी बड़ी स्कीम आपको पता होनी चाहिए किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ लेना कि पहले स्कीम किसके किस चीज की है। ऐसे मल्टीपल स्कीम है, जैसे कि उनके लिए एक स्कीम है संविता स्कीम है, ये किसके लिए, लैंड टाइटल्स के लिए, इस तरीके से। और जो वो अपने गिग वर्कर्स हैं जो रेडी पटरी वाले, उनके लिए कौन सा एक स्कीम है, वो नाम ऐसे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे नोट्स बनाने, कैसे आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, कितना आपको सोचना, ज्यादा गहराई में ही सोचना है कि आप देखने लग जाओ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये कब बनी थी, किस जमाने में बनी थी, ये सब नहीं देखना, बस बेसिक बेसिक ऊपर का। ये पूछा गया कि T20 न्यूजीलैंड की सीरीज नवंबर 2022 में, देखो 2022 में एग्जाम हुआ था, 23 में। ठीक है, तो ये करंट अफेयर काफी ठीक ठाक सा है, बाकी अदरवाइज भी लोगों को पता है हार्दिक पांड्या इसका राइट आंसर है कि कैप्टन कौन था। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, अच्छा ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन भी है, और मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा भी था कि जो लेयर्स हैं जो एटमॉस्फेयर की, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, अपना मीजोस्फेयर, ऐसे ऊपर जाते जाएंगे थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ये पता होनी चाहिए आपको। और ये भी पता होना चाहिए कि किस किस लेयर में क्या काम होता है। ठीक है, मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में बताया भी था कि जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है उसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच ट्रोपोपोज आता है जिसे रीजन ऑफ मिक्सिंग, हाँ मुझे क्वेश्चन याद आ गया, रीजन ऑफ मिक्सिंग वाला क्वेश्चन था वो, पिछली वीडियो मैंने कवर करा है, आप देखना, शायद आपने देखा भी हो। तो रीजन ऑफ मिक्सिंग कहाँ पाई जाती है, तो ट्रोपोपोज में पाई जाती है जो कि ट्रोपोस्फेयर में लैंड मतलब रहती है, तो उसका आंसर ट्रोपोस्फेयर था। इसमें पूछा गया कि ओजोन कहाँ है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में। अच्छा, जो ट्रोपोपोज होता है और जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है, जनरली एयरप्लेन जो है यहाँ फ्लाई करते हैं, कुछ ट्रोपोस्फेयर में भी करते हैं,
तो ये भी ध्यान रखना। हो सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एक्सोस्फियर और आइनोस्फियर, अब बताओ कि एयरप्लेन जो होते हैं वो कहाँ पर फ्लाई करते हैं, करते तो इन दोनों में, क्योंकि कुछ मिलिट्री वाले होते हैं कुछ सिविल वाले होते हैं, तो ये ध्यान रखना। इनर मोस्ट पार्ट जो होता है फ्लावर का, उसे क्या कहते हैं? ये मान लो फ्लावर है अपना, ठीक, ये फ्लावर है, और ये जैसे मान लो कली नहीं होती, कली के बाहर ग्रीन ग्रीन सा जो पार्ट होता है वो जब फ्लावर खिल जाता है तो नीचे आ जाता है, उसे स्टेमेंस कहा जाता है, सॉरी उसको सेपल्स कहा जाता है। स्टेमेंस तो होता है वो जो अपना, नहीं आपने मस्टर्ड जो देखा होगा राई का जो होता है, मस्टर्ड जिसे कहते हैं, सरसों से राई भी कहा जाता है, तो उसमें कुछ ऐसे येलो येलो से पतले पतले से रहते हैं बिल्कुल, उनको स्टेमेंस कहा जाता है। पेटल्स तो पत्तियां हो गई, सेपल्स हो गया जो कली का ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट होता है। पिस्टल क्या होता है? इसको कहा जाता है इनर मोस्ट पार्ट। ये जो आपने सुना हुआ स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ये नहीं बीच में स्टिक्स होती जो हार्ड वाला पार्ट होता है फूल का, उसे पिस्टल कहा जाता है इनर मोस्ट पार्ट। बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? कर्नाटका में। रिपीटेड क्वेश्चन है, और वैसे भी आपको जब आप रामसर साइट्स पढ़ोगे, हालांकि रामसर साइट नहीं है लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको ये कहीं ना कहीं पढ़ने को जरूर मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बाकी रामसर साइट आप तैयार कर लेना, सारे नेशनल पार्क तैयार करने की जरूरत नहीं है, फेमस फेमस करोगे और रामसर साइट को कवर कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में मैंने कहा था आपसे कि टाइगर रिजर्व है बाय द वे कर्नाटका का। ये क्वेश्चन यार थोड़ा सा ऑब्स्क्योर क्वेश्चन है, पता नहीं ये मुझे तो इतना प्राइम ऑफिस से समझ नहीं आ रहा है, तो उसको थोड़ा बाद में देखेंगे। अगर मैं होता तो इसको स्किप कर देता, क्योंकि 2021 में पद्मश्री अवार्ड बहुत सारे लोगों को मिलता है, ठीक है, एक साल में, और किसको मिला 2021 में थोड़ा सा याद कर पाना मुश्किल है। कितने नाम याद करोगे यार, 2023 में एग्जाम हुआ, ठीक है, आपने 2021 की याद करे, 2022 की याद करे, और फिर पद्मश्री, पद्मश्री तो कितने सारे लोगों को मिलता है, थोड़ा सा इट टफ है क्वेश्चन ये वाला। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड ऑन इंडियन बॉर्डर्स, भारत की जो सीमा है वहां पर रोड कौन बनाता है? सबको पता है बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो ज्यादा उसमें दिमाग खर्च करने वाला सवाल है नहीं। ये सवाल रिपीटेड है, फातिमा शेख कौन थी? ये पहली फीमेल मुस्लिम टीचर थी। अब यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन दे देते हैं कि पहली फीमेल जज सुप्रीम कोर्ट की वो फातिमा बीवी थी, तो ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये फीमेल मुस्लिम टीचर थी, ज्योति बाबा फूले जो सत्य सुधक समाज के फाउंडर थे, उनके साथ इनका उनके साथ ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम करती थी। फातिमा शेख राइट आंसर है, उसका रिपीटेड क्वेश्चन है अदरवाइज भी, तो कितने सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैलकुलेट करते रहना। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, वेस्टर्न साइक्लोनिक जो मेडिटेरियन वाला जो इलाका है यूरोप का, ठीक है, यूरोप के जो ग्रासलैंड है वहां से ये जो आती हैं हवाएं जो बरसात लाती हैं नॉर्दर्न रीजन में ठंड में सर्दियों के समय, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जिसे कहा जाता है, वो मेडिटेरियन रीजन से आता है, ठीक है। इंडिया में आपने देखा होगा कुछ बरसात हो जाती है कई बार, वो इसी वजह से होती है, ठंड में भी, और जो ऊपर ऊपर वाले इलाकों में मानसून के बाद जो बारिश आती है वो इसकी वजह से आती है मेनली। मेडिटेरियन रीजन को जो है, इसीलिए मेडिटेरियन रीजन में जो है फलों की खेती बहुत होती है, फ्रूट्स की, ठीक है, वो उनको वाइन बहुत ज्यादा वहाँ प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसको ऑर्चर्ड ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, मतलब पूरे विश्व का बागीचा या बाग मेडिटेरियन इलाके को, वो जो अपना यूरोप वाला इलाका है उसको। ये कन्फ्यूज करने के लिए ईस्टर्न यूरोप दे रखा है, सब मत करना, मेडिटेरियन सीज का रीजन सही आंसर है, ठीक है। देखो कन्फ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट यहाँ पे दे दी ईस्टर्न यूरोपियन रीजन, ऐसा कुछ नहीं है, मेडिटेरियन रीजन का राइट आंसर है। क्लाइमेटोलॉजी में आपको पढ़ा दूंगा जो बेसिक बेसिक चीजें आने वाले दिनों में, जीएस को मैं कवर कराऊंगा, तो ये सब चीजें बेसिक से मैं बता दूंगा। रिपीटेड क्वेश्चन है बाय द वे, एक ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा यार, इंडिया में 2022 में ओनली इंडियन टू क्वालिफाई फॉर विंटर ओलंपिक्स, हो सकता है कि किसी को याद हो क्योंकि ओनली इंडियन की यहाँ पर बात हो रही, लेकिन रिकॉल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो अब इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। विच इज सेलिब्रेटेड एज अ न्यू ईयर ऑफ केरला, ये तो यार हद क्वेश्चन होगी, पता नहीं कितनी बार एसएससी को क्या ही प्यार है विशु फेस्टिवल से कि कितनी बार पूछता है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। ओनम और पोंगल और ओनम में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि ये विशु की बात हो रही है यहाँ पर, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं बता देता हूँ आपको। 16 जून की शिफ्ट में भी, 19 जून की शिफ्ट में भी क्वेश्चन आप देख लेना जाकर, मिलेगा आपको, मैं अभी आपको ऐसे रिकॉल करके बता रहा हूँ, सोचो कितनी बार रिपीट हुआ होगा ये। केशव चंद, ये देखो पता नहीं एसएससी को क्या ही प्यार है प्रार्थना समाज से, मुझे नहीं पता कितनी बार पूछ चुका है कि इसका फाउंडर कौन है, केशव चंद्र सेन, फिर पूछेगा कहाँ पर है, एक तरीके से क्वेश्चन पूछेगा प्रार्थना समाज जो कि बॉम्बे में बनी उसका फाउंडर कौन है, फिर पूछेगा केशव चंद्र सेन जिसने प्रार्थना समाज फाउंड करी ये कहां पर करी, मतलब घुमा घुमा के एक ही क्वेश्चन। अब ये देखो फ्री है, फ्री के तीन नंबर है, अब आप लूसेंट के रट्टे लगाते रहोगे, ठीक है, ये चीज याद आ पाएगी एग्जाम में, हो सकता है कि याद आ जाए लेकिन मान लो कन्फ्यूज हो गए कलकत्ता और बॉम्बे में, क्या करोगे फिर? ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बस एग्जाम हॉल में, इसी की पूरी लड़ाई है। ये एक अजीब सा क्वेश्चन है, इसको मैं स्किप करना ही चाहूंगा, हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में आया हो लेकिन रिकॉल कर पाना बहुत मुश्किल है, सो अभी बाद में देखते हैं। आयरन प्लेयर कहाँ पर है? दिल्ली में, ये तो बच्चों वाला सवाल। पद्मावत, अगेन रिपीट क्वेश्चन, मलिक में मोहम्मद जयसी इसका राइट आंसर है। अब वैसे भी कर सकते, कुलदीप नायर तो नहीं ही होगा, तो बहुत पहले लिखी गई थी पद्मावत। कालिदास अभी अगेन नहीं हो, अलबेरूनी जिसने किताब उल हिंद लिखी थी ना,
अलबिरूनी, जो मेरे ख्याल से उसमें आया था गजनी के टाइम पे आया था शायद ये अलबिरूनी ना, हाँ किताब उल हिंद लिखी थी इसने, तो ये नहीं है। मालिक है मोहम्मद जयसी, इसका राइट आंसर है। मंत्र शास्त्र ये किसने लिखा, अभी बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है लेकिन अब रिकॉल कर पाना थोड़ा मुश्किल है, स्टैटिक का क्वेश्चन है, सो लेट्स सी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अगर आपको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पता है, जब पहली बार यूरोप के जो ब्रिटिश ने कहा था कि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है EIC, तो उनकी पोजेशंस को कहा था कि ये ब्रिटेन ब्रिटेन की पोजेशंस है, पहली बार उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था, वैरन हेस्टिंग थे उस वक्त ये गवर्नर जनरल। ये 1773 का ही वो रेगुलेटिंग एक्ट था जब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। गवर्नर जनरल का जो पद है वो 1773 में मेंशन किया गया था, और ब्रिटिश की जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पोजेशंस थी भारत में, जो कंपनी थी उसको ब्रिटिश पोजेशंस कहा गया था, पहली बार ऐसा हुआ था। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए, कारण उसका ये है। अच्छा इसको एलिमिनेट भी आप कर सकते हो, लॉर्ड माउंटबेटन तो बहुत लास्ट में आया, डेलहौजी भी बहुत बहुत बाद में, विलियम बेंटिक और हेस्टिंग कंफ्यूज हो सकते हो। बेंटिक जो 1800 के आसपास इन जनाब का आना हुआ था, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था, आपने मूवी में भी देखा होगा ना, अगर आपने देखी हो शायद, तो वो उसमें बेंटिक जो रहता है वो अपना सती प्रथा के अगेंस्ट जाता है, राजा राम मोहन राय जिसके लिए प्रयास कर रहे थे तो बेंटिक ने सपोर्ट किया था। एनीवेज आपको जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए हैं ये अंग्रेज, 1773 मॉन्टलिमेंटो, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म, साइमन कमीशन और अपना कैबिनेट मिशन। जैसे क्वेश्चन मैंने अभी जैसे मुझे याद है अभी एक शिफ्ट मैंने देखा था, कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में आया था, हाँ 1946 में डायरेक्ट क्वेश्चन था कब आया बताओ। तो ये चीज आप ध्यान रखनी, ये थीम आपको मिल गई इसी को पढ़ लो, इसी से क्वेश्चन आएगा, काम खत्म। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मानना, जितना आ रहा है बस इसको सही करना है। मैंने अभी देखो आपसे ऊपर मैंने कहा कि ये देखो सुप्रीम कोर्ट को जो है इसके आर्टिकल्स पढ़ लेना मौजबानी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो सीट है जो कि दिल्ली सीट है उससे संबंधित कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 130 है। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन होती, मान लो कोई भी निर्णय पास कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये छूट होती है कि वो एक बार उसको फिर से मैटर को वो देख ले, या तो फिर कोई भी मैटर किसी भी कोर्ट में पड़ा हो तो उसको उठा के वो डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उसको अपने अंडर में ला सकते हैं, इस स्पेशल लीव पिटीशन कहा जाता है इसको। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था एमटीएस में इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ये जो आता है इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 32 पे भी क्वेश्चन आ जाता है, आर्टिकल 32 आपका ये सुप्रीम कोर्ट को इसमें दिया गया है, किस चीज का आर्टिकल 32 आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। ठीक है, आर्टिकल 32 किस चीज के लिए है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ये दोनों रिलेटेड है आपस में, ठीक है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट्स से कुछ संबंध रखते हैं, बताना कमेंट बॉक्स में। ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा हम लोग मार्क कर देते हैं। अब देखो यहीं तक आते आते आपको पता चल गया होगा कि शिफ्ट कितनी टफ है, कितनी ज्यादा डुएबल है, थोड़ा देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, आंसर मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, बट स्किप करने वाला क्वेश्चन है। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 ऐसे क्वेश्चन मुझे दिखे जो जेन्युइनली चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो सच में चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे। हाँ हालांकि इसमें से ये वाला तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला मंत्र शास्त्र वाला, लेकिन भाई मना कि अगर रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा स्टैटिक का आ जाए तो रिकॉल कर पाना उसे मुश्किल होता है। बट एनीवेज 20 क्वेश्चन हम लोगों ने आपके सामने मैंने आपके करे, अब इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 3 आदि ट्राइब, 3, 4 इसका आदि ट्राइब बाय द वे आंसर है। इसको भी चाहते तो स्किप करा जा सकता था लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है तो रिकॉल करना मुश्किल था, तो कह सकते हैं कि 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो हो ही नहीं सकते थे या फिर एग्जाम हॉल में शायद आपको याद ना आते, आपने पढ़े लेकिन याद ना आते, हालांकि थे प्रीवियस ईयर के वो कुछ उठपटांग क्वेश्चन भी थे, तो 6 क्वेश्चन जो थे वो स्किप करने लायक थे, वर्थ स्किपिंग थे, ठीक है। और इसका क्या था, फोर्थ सिक्स का देखते हैं जरा, 2, 4, 4, 3, 1, 2, 4, 4, 3 एंड 1 मैं आंसर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप देख सको, जो क्वेश्चन स्किप करें तो उसके आंसर ही पता चल जाए। 4, 4, 3, 2, 2 फोर फोर है, फर्स्ट आंसर 4 है, 4, 4, 4, 3, 2, 2 ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 16 से 2, 1, 2, 1, 2
आरिफ मोहम्मद खान इसका राइट आंसर है, ठीक है, अगर ना पता हो तो कर लो। 2-1-2 इसका आंसर तबला है, 2 और फिर 2, ठीक है। 4-3-2-3-1, 4-3 इसका कालिदास, सॉरी इसका ये 4-3 वेतल भट्टा, 4-3-2-3 इसका क्या लास्ट का आंसर था, 1665, ठीक है। तो अब थोड़ा हिसाब लगा लेते हैं कि कितना डुएबल था कितना क्या था। तो 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो हो सकता है कि हमको स्किप करने पड़ते एग्जाम हॉल में, याद ना आते। तो 19 क्वेश्चन वाज प्रीटी मच डुएबल ऐसी शिफ्ट में, जिसमें 19 क्वेश्चन में मान लो आपने एक क्वेश्चन में गलती कर दी और 6 क्वेश्चन छोड़ दिए, 19 बहुत अच्छा अटेम्प्ट है वैसे बाय द वे ऐसी शिफ्ट में, और एग्जाम हॉल में पता चल जाएगा आपको 6 क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं और इतने ज्यादा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ठीक है शिफ्ट टफ है। एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, मान लेते हैं कोई भी रैंडम क्वेश्चन आपने गलत किया, तो 18 आपका जो है वो नेट आपका 54 जो है, उसके बाद 53 नंबर आपका नेट स्कोर आएगा, जो कि अच्छा खासा स्कोर है। 53 आप इसमें स्कोर करोगे, और उसमें मैंने आपको बताया था 23-66 का स्कोर, 69 का स्कोर आप उसमें लाएंगे तो 122 का स्कोर इज मोर देन एनफ टू गेट द सिलेक्शन। 122 आपका रॉ स्कोर आएगा, जबकि इस साल कट ऑफ 125 नंबर थी यूआर से, नॉर्मलाइजेशन हुआ था 15-20 नंबर का हर शिफ्ट में, लगभग हर 10 नंबर तो मिनिमम हुआ ही था, और इस शिफ्ट में तो खास करके 23 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो 122 में अगर 23 नंबर आप कैलकुलेट कर ले तो 145 मार्क्स। मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि कितना एग्जाम ये डुएबल है जीके का सेक्शन खास करके, जिसका इतना ज्यादा हुआ बना रखा है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को करें और सिंपल सी जीएस को जो है कवर करें, लिमिटेड चीजों को सतही रूप से, जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में 5 वीडियोस के थ्रू कवर करा दूंगा, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मिसगाइडेंस अवेलेबल है, तो जीएस को एक बार खत्म कर देना चाहिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स अपने पास ये मोर देन इनफ है, इसके बाद अपने नोट्स और उनको रिवाइज करना है, और फिर प्रीवियस ईयर पेपर को रिवाइज करना है, फिर नोट्स को, फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स को, फिर नोट्स को, यही कवायद आपको करनी है एग्जाम से पहले तक, और एग्जाम आपका फॉर श्योर निकलेगा, इस फेथ के साथ आपको रहना है और निकलेगा ही निकलेगा, कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं, अगर आप ये एक्सरसाइज रोज करते हो तो, अनलेस एंड अनटिल आप एग्जाम देने ही ना जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।